गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड. टुडे वी विल स्टार्ट आवर कंपेनियन चैप्टर फर्स्ट एंड पेज नंबर 1. जॉनी न्यू इट. नाउ लुक एट द फर्स्ट एक्टिविटी. Follow the given instructions to play a game that test your observation skill. आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ instructions दिए हुए हैं नीचे ABCD कर, आपको उनको फॉलो करना है. ये एक गेम है, उस गेम को आपको प्ले करना है और उसमें दो टीम होंगी. आप चाहें तो ज़्यादा टीम भी कर सकते हैं. आप इस स्कूल में आपके फ्रेंड्स नहीं हैं क्योंकि आप भी होम पर हैं, तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसको प्ले कर सकते हैं. ओके, ये एक्टिविटी आप अपने आप करेंगे, डू इट योर सेल्फ. मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरीके से. नाउ लुक एट फर्स्ट व्हाट इज़ द गेम. फॉर्म टू टीम्स. आपकी उसमें दो टीम होंगी. प्ले सम ऑब्जेक्ट्स ऑन ए ट्रे. आपको एक प्लेट पर ट्रे पर ऑब्जेक्ट्स रखने हैं, सच इज आप उसमें चॉक रख सकते हैं, पेंसिल, इरेजर, स्केल एंड क्रियोन्स. वन टीम लीव्स अ रूम आफ्टर ऑब्जर्विंग थिंग्स इन द रूम कीनली. एक टीम जो है उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करेगी अच्छे से, और ऑब्जर्व करने के बाद वो बाहर चले जाएंगे रूम से. द अदर टीम मेक्स चेंजेस टू द ऑब्जेक्ट्स ऑन द ट्रे. और जो दूसरी टीम अंदर है, एक टीम तो बाहर चले जाएगी, सब कुछ ऑब्जर्व करके कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, ठीक है. और जब वो चीज़ जब एक टीम बाहर होगी तो जो टीम अंदर है वो उस ट्रे के अंदर चेंजेस कर देगी कि जो चीज़ जहाँ रखी थी उसको अलग जगह पर रख दी जाएगी. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अ क्रेयॉन कैन बी टेकन ऑफ द ट्रे. You could even change the position of objects. For example, the position of a scale and a chalk could be interchanged. Clear? Once this is done, जब एक बार ये हो जाएगा, the members of the team outside may re-enter the room. जब ये सब लोग रीअरेंज कर देंगे उसको, तो जो टीम बाहर थी वो अंदर आएगी and they will have to spot the changes. और वो पहचानेंगे कि कौन सा चेंज हुआ है, ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स चेंज हुए हैं. और ये सेम पैटर्न रहेगा दोनों टीम के साथ, अपनी अपनी चांस पर. सब पहले एक टीम करेगी, उसके बाद वो अंदर आएंगे, फिर वो पहचानेंगे कि कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, फिर उसको स्पॉट कर लेंगे. फिर जो दूसरी टीम है वो बाहर जाएगी, फिर अंदर वाली टीम उसको चेंजेस करेगी. इस तरीके से दोनों टीम अपने अपने चांसेस प्ले करेंगे और जिसके ज़्यादा जो ज़्यादा स्पोर्ट्स पहचानेगा, ज़्यादा अच्छा प्रेफर करेगा, वो विन हो जाएगा. तो आपको घर पर इस तरीके से ये करना है. आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ टू टीम्स बनाकर इसको कर सकते हैं. देन यू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर यू प्ले द गेम. व्हाट इज़ द क्वेश्चंस? हाउ मेनी चेंजेस डिड यू टीम ऑब्जर्व. के आपकी टीम, जिस टीम में आप थे, आपकी टीम ने कितने ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व किया. हाउ मेनी चेंजेस डिड द अदर टीम ऑब्जर्व. और दूसरी टीम ने कितने चेंजेस ऑब्जर्व किए, कितने चेंजेस आपने मतलब करे थे वो पहचान पाए, वो यहाँ लिखना है. उनका स्कोर आपको यहाँ लिखना है और आपका स्कोर आपको लिखना है, ठीक है. व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द गेम. और आपको गेम में क्या पसंद आया. क्लियर दैट? तो ये वाली एक्टिविटी आप खुद से करेंगे, डू इट योर सेल्फ. ओके, क्लियर? नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज. टेक आउट द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2. चूज द करेक्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हम पहले पढ़ चुके हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब क्या होती है. एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड डैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ ना कुछ बताता है, डेट कॉल द एडजेक्टिव. एन एडवर्ब, एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब इट्सेल्फ. क्लियर? एडवर्ब जो होती है वो किसी वर्ब यानी किसी एक्शन को क्वालिफाई करती है, वो हमें बताती है कोई एक्शन कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है. तो ये हमारी एडवर्ब होती है. तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स के, वो आपको उसमें से चूज़ करना है कि यहाँ एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगी. क्लियर दैट? नाउ लुक एट द फर्स्ट. राम फेल्ट दैट द टेस्ट वॉज. अब यहाँ पे टेस्ट की क्वालिटी बतानी है हमें, ठीक है, यानी कि नाउन को बताना है कि जो नाउन है वो कैसी है, ठीक है. तो टेस्ट वास क्या हो जाएगा, ईजी. हम ये ईजिली नहीं कह सकते, क्या कहेंगे, द टेस्ट वॉज ईजी. बिकॉज हमें यहाँ पे ईजी किसके लिए आ रहा है, टेस्ट के लिए, और टेस्ट क्या है हमारा, नाउन. और जो नाउन है वो नाउन की क्वालिटी बताएगा या उनके बारे में हमें कुछ ना कुछ बताएगा. टेल समथिंग मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन, इट्स कॉल्ड द एडजेक्टिव. इट्स वाई वी पुट ईजी. ईजी इज एडजेक्टिव. क्लियर? नाउ लुक एट द सेकंड. यू शुड ड्राइव.
अब स्लो आएगा या स्लोली आएगा बिकॉज इट इज़ रेनिंग. तो अब हमें यहाँ पे क्या बताना है कि जो ड्राइविंग हो रही थी वो कैसी हो रही थी. ड्राइव इज़ अ वर्ब. तो ड्राइव वो कैसे कर रहा है, स्लोली. तो यहाँ स्लो जो है वो तो नाउन है और जो स्लोली सॉरी जो स्लो जो है वो एडजेक्टिव है और स्लोली क्या है यहाँ पे एडवर्ब है. तो हम यहाँ लिख देंगे यू शुड ड्राइव स्लोली. ओके नाउ लुक एट द थर्ड. रोहन इज अ रीडर. अब यहाँ पर रोहन के बारे में बताना है कि रोहन कैसा रीडर है, फास्ट नॉट फास्टली. अगर ऐसा होता कि रोहन रीड्स तो हम लिखते हैं फास्टली, बट यहाँ पूछा है रोहन इज अ फास्ट रीडर. वो कैसा रीडर है, फास्ट. तो हमें यहाँ रीडर की क्वालिटी लिखनी है, फास्ट. ओके द बॉय स्पोक टू मी. बॉय ने कैसे स्पीक किया, स्पीक यानी एक्शन वर्ब. कैसे स्पीक किया, रूडली. तो यू हैव टू राइट डाउन या रूडली. रूडली इज़ अ एडवर्ब. मोस्टली आप ध्यान रखेंगे, मोस्टली सभी में तो नहीं, मोस्टली हमारी जो एडवर्ब होती है उसके लास्ट में ly आता है, मोस्टली. ओके मैनर में. नाउ दिस इज अ पिल्लो. पिल्लो कैसा है, सॉफ्टली या सॉफ्ट. पिल्लो इज अ सॉफ्ट, तो यहाँ सॉफ्ट आ जाएगा. विक्रम लैफ्ट दिस मॉर्निंग. लेकिन हमने लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया, चला गया. तो लेफ्ट मीन्स, लेफ्ट इज़ अ एक्शन, इट मीन्स वर्ब. तो वर्ब के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडवर्ब. तो विक्रम लेफ्ट क्विकली. द बॉय स्क्रीम एट हिज फ्रेंड. बॉय स्क्रीम किया, जोर से चिल्लाया, एंग्रीली. यहाँ क्या आएगा, एंग्रीली. बिकॉज एंग्रीली किसके लिए, स्क्रीम उसके एक्शन पे आया, जो वो चिल्लाया है. कैसे चिल्लाया है वो, angrily, गुस्से में, at his friend, अपने friend पर. Karishma sings that song. Karishma ने song गाया beautiful या beautifully. Song कैसे sing करेगी वो, beautifully. Okay. John speaks Telugu. John जो है speak करता है, क्या करता है, speak यानी कि verb action, fluently. You have to do it fluently. सोहेल एंड हिज फ्रेंड्स अराइव्ड. सोहेल और उसके फ्रेंड्स कैसे पहुँचे, लेट. ठीक है, लेटली नहीं होता है, लेट. बट एंटर द क्लासरूम क्वाइटली. ओके अंडरस्टूड. नाउ टर्न द पेज एंड हेयर इज ऑल्सो योर होमवर्क. इट्स वेरी सिंपल. इसी तरीके से आपने यहाँ पे अभी सेंटेंसेस को फिल किया है. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग ईच. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिनकी एडजेक्टिव फॉर्म और एडवर्ब फॉर्म दे रखी है. उन एडजेक्टिव और एडवर्ब को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहचानना है, देन मेक द सेंटेंसेस स्लोली. स्लोली इज एडवर्ब. तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहले एडवर्ब, फिर उसके बाद इसका सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि शी वॉक्स स्लोली. ओके स्लो, स्लो इज ए नाउन, तो स्लो से क्या बन जाएगा, राहुल इज अ वेरी, राहुल इज वेरी स्लो. ठीक है, क्लियर. वार्म, वार्मली. माय मदर गिव मी अ वार्म हग. ठीक है, तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव. वार्मली दे मीट अस वार्मली. ठीक है, लाउड यानी जोर से, एंड लाउडली इज एडवर्ब. ओके साइलेंट और साइलेंटली. साइलेंट इज एडजेक्टिव एंड साइलेंटली इज वी सिट इन द क्लास साइलेंटली. ठीक है, टीचर्स कॉल्ड मी दैट शी सैड कीप साइलेंट. ठीक है, तो आपको इस तरीके से सेंटेंस बनाना है. दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर प्रैक्टिस होमवर्क. ओके, ताकि आपको समझ में आ सके किस तरीके से सेंटेंस बनाने. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आई विल हेल्प यू. ओके, यू हैव टू ट्राई टू डू इट एट योर होम योर सेल्फ, अदरवाइज आई विल सेंड यू द PDF, देन यू विल कॉपी इट. ओके नाउ नेक्स्ट टर्न द पेज, पेज नंबर 4. Now look it. Complete the sentences with the appropriate abstract noun. Refer to the help box. आप सभी लोग abstract noun पढ़ चुके हैं. Noun मैंने आपको पढ़ा दिया है. Now आपको यहाँ पे nouns fill करनी है. He was filled with.
फियर व्हेन ही सॉ द लायन, जब हम लायन देखेंगे, जब हम लायन देखेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, फियर ही तो हो जाएंगे, डर ही तो हो जाएंगे. नाउ मार्क वॉज इन ग्रेट व्हेन ही हर्ट हिज टोज. मार्क को बहुत ज़्यादा क्या हुआ, पैन, जब उसके टोपे हर्ट हो गया, तो यहाँ आ जाएगा पैन. राहुल वॉज ऑनर्ड विद एन अवार्ड फॉर हिज ब्रेवरी, बहादुरी के लिए उसको अवार्ड दिया गया, ऑनर दिया गया अवार्ड के साथ. नीना एक्सप्रेस्ड हर व्हेन शी गॉट बैक होम लेट फ्रॉम वर्क. नीना ने क्या एक्सप्रेस किया, डिसअपॉइंटमेंट, वो बहुत निराश हो गई जब वो लेट पहुंची. मीनू वॉज फिल्ड विथ व्हेन शी लॉस्ट द रेस, जब वो रेस में हार गई तब उसने क्या फील, क्या हुआ, वो गुस्से से भर गई. ओके, अंडरस्टैंड दिस. Now turn the page. Unscrabble the abstract noun from a sentence using each. Clear? मैंने अब लिखा है आपका grief. ये जो unscrabble है, जो scramble है, इसको unscrabble कर रहे हैं grief. Grief से आपको sentence बनाना होता है. Grief मतलब दुखी. इसको sentence आपको बनाना है. Okay? Beauty. ये sentence, ये word बन जाएगा beauty. इससे sentence भी आप बनाएंगे नीचे. विजडम, विजडम से सेंटेंस आपको बनाना है. मैंने इसको सॉल्व कर दिया है. नाउ लुक एट द नाउन. राइट अपोजिट्स फॉर द फॉलोइंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम सेंटेंसेस यूजिंग दैम, वन इज डन फॉर यू. यहाँ पे आपको अपोजिट्स दे कुछ वर्ड्स दे रखा है, उस वर्ड के बाद उसका फ्रंट में आपके अपोजिट में आपको उसको अपोजिट लिखना है. देन मेक द सेंटेंस बाय द अपोजिट. ओके, नाउ लुक एट फर्स्ट हैट एंड लव. Their love for their country was obvious. जो आप opposite लिखेंगे उस opposite का आपको बनाना है. ठीक है, ऐसे joy, joy का opposite क्या हो जाएगा, sorrow. Then she cried in sorrow, उस दुख में चिल्लाई. Honesty, honesty का opposite हो जाएगा dishonesty. He was punished for his dishonesty. Clear? Yes, next we will do in our next class. Then you will complete it. And I will send you the PDF tomorrow. Okay? Till then, take care. Thank you.